नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। आज की इस टॉपिक में हम यही बताने वाले हैं कि अगर आप भी एक्सरे कराए हैं, आप अगर टीबी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक्सरे जरूर कराए होंगे। देखिए, एक्सरे कराने का मेन उद्देश्य होता है कि हमारे फेफड़े के अंदर टीबी है कि नहीं वह पता चलता है, अगर हमारा स्पूटम में टेस्ट में नहीं आता है तो। स्पूटम के टेस्ट में यानी कि खखार के टेस्ट में अगर बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है तब हम उसे एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में फाइंड आउट होता है। होता है कभी कभी ऐसा कि किसी किसी व्यक्ति को खांसी तो है लेकिन बलगम नहीं निकलता है, खखार नहीं निकलता है, जिस कारण हमारा जांच में हो सकता है कि गलती आए, लेकिन उस कंडीशन में हम लोग एक्सरे करवाते हैं ताकि यह पता चल सके कि कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्सरे में आ तो नहीं रहा है। तो आज मैं आपको 4 एक्सरे दिखाने वाला हूं और उस एक्सरे में आप भी अपने एक्सरे को मैच करा सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप एक्सरे कराए होंगे पहले तो आपके पास एक्सरे होगा। मैं एक्सरे में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आप खुद ही यह समझ सकते हैं कि आपकी सीवियरिटी कितना ज्यादा है। वैसे तो जिनका ज्यादा सीवियरिटी रहता है यानी कि जिनका ज्यादा गहरा बीमारी रहता है तो उनको सिम्टम से ही पता चल पाता है कि उनका बहुत ज्यादा परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होता है। आप जानते होंगे कि टीबी 2 तरह का होता है, पहला पल्मोनरी और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो पल्मोनरी यानी कि छाती के अंदर के टीबी की बात मैं कर रहा हूँ जिसमें हमें एक्सरे करके दिखना होता है। तो आज मैं सब एक्सरे भी दिखाऊंगा। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में क्या होता है कि हमारे छाती के अंदर नहीं, छाती के बाहर शरीर के किसी भी अंग में अगर टीबी है तो हम उसे भी टीबी कहते हैं लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब छाती के अंदर टीबी अगर है तो हमें पैच नजर आएगा और छाती के बाहर एक और होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि छाती के बाहर भी एक बैगनुमा चीज होता है, सैक होता है जिसको पुलरा बुलाता है और पुलरा और लंग्स के बीच में अगर पानी भर जाता है, आपने सुना होगा कि पानी भर जाता है तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं क्योंकि वह लंग्स के अंदर नहीं है बल्कि लंग्स के बाहर है। तो उसमें जो एक्सरे दिखता है वह तो मैं बाद में दिखाऊंगा, आज मैं छाती के अंदर जो एक्सरे में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे छाती के अंदर टीबी है और कितना सीवियर है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और आप भी उसे मैच करा करके यानी कि कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपके लंग्स के अंदर कितना इन्फेक्शन है और हम कैसे इसको समझ सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आज हमारे पास 4 एक्सरे है, चारों का चारों लंग्स एक्सरे है और इस चारों एक्सरे में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका सीवियरिटी कितना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इस एक्सरे को देखें, मैं इसे दिखाता हूँ, थोड़ा सा कैमरा को नज़दीक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर से समझ सकेंगे हम लोग। दोस्तों पहले तो हम समझेंगे कि हमारा एक्सरे जो होता है उसे हम नॉर्मल कैसे कहते हैं। नॉर्मल कहने के लिए यह जो एक्सरे है यह बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हमारे अपर यानी कि लंग्स के ऊपर वाला भाग एपेक्स कहलाता है और नीचे वाला हमारा एंगल कहलाता है। तो यह एंगल भी बिल्कुल क्लियर है, यह भी क्लियर है, यह भी क्लियर है, दोनों एपेक्स और दोनों एंगल हमारा क्लियर है। यहाँ पर एयर है इस कारण ही ब्लैकनेस आ रहा है, हमारे लंग्स इसी के अंदर होता है जिसमें हवा है इसके वजह से ही ये काला नजर आ रहा है। जहाँ पर ब्लड होता है उसमें ये चूंकि ये जो व्हाइटनेस दिख रहे हैं ये हमारा हार्ट का साइडो होता है। तो हार्ट का साइडो में चूंकि हार्ट में ब्लड रहता है तो वह हमारा रे जो है ना वह क्रॉस नहीं कर पाता है, अगर क्रॉस भी करता है तो ये हमारा व्हाइटनेस में रहता है। तो हम लंग्स में जब सांस लेते हैं तो सांस के दौरान ही हमारा लंग्स ब्लैकनेस में बदल जाता है और उसका एक्सरे जो आता है वो ब्लैक रहता है। तो ये हमारा राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है, ये हार्ट का साइडो इस तरफ है, इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये लेफ्ट है ये राइट है। दूसरा कि यहाँ पर आर भी लिखा हुआ है यानी कि राइट साइड है। यहाँ पर जितना ब्लैकनेस है यह ब्लैकनेस बिल्कुल नॉर्मल है। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा व्हाइटनेस नजर आ रहा होगा आपको, ये व्हाइटनेस हमारा जो कभी कभी किसी किसी पेशेंट को एसनोफिलिया का प्रॉब्लम होता है जिनको खांसी वगैरह रहता है तो उसमें ये कंडीशन हो सकता है, तो वह टीबी नहीं होता है, यह कंडीशन हमारा एसनोफिलिया की वजह से भी होता है। तो हम बिल्कुल इससे हम नॉर्मल कहेंगे, इसमें कोई टीबी नहीं है। लेकिन मैं दूसरा एक्सरे दिखाऊं, इसको हटा के मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूं ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। दूसरा एक्सरे में अगर हम देखेंगे तो इस एक्सरे में लगभग सब कुछ सेम है लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं अपर लिम में बिल्कुल हल्का सा इन्फेक्शन शुरू हुआ है, क्योंकि ये लंग्स मेरा नॉर्मल है लेकिन इस लंग्स में अपर लिम में हमारा
थोड़ा सा व्हाइटनेस आ रहा है जिस कारण, और इसे जांच के दौरान जांच में भी पॉजिटिव आया है, तो ये हमारा एक्सरे पॉजिटिव है, यानी कि इन्हें टीबी है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल टीबी है, लेकिन हमें दवा जो चलेगा वो बिल्कुल 6 महीना का ही चलेगा। और एमडीआर क्यों कहेंगे, कब हम कहेंगे, जब हमारा सीवीनार टेस्ट हो जाएगा, उसमें रिफाम्पिसिन अगर रेजिस्टेंट आता है तब हम एमडीआर टीबी कहेंगे। अब तीसरा एक्सरे मैं दिखाऊं, इसमें थोड़ा सा सीवियरिटी आपको नजर आएगा कि देखेंगे ये लंग्स तो हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, ब्लैकनेस पूरा है, ठीक है, लेकिन इस लंग्स में देखेंगे तो एंगल तो मेरा ठीक है, लेकिन जो मिड साइड और अपर साइड में बिल्कुल ये जो व्हाइटनेस देख रहे हैं ना, ये व्हाइटनेस का मतलब होता है वहाँ पर अंदर में जख्म है, और जख्म में जब वो पस आने लगता है, जब हमारा कीड़ा जो होता है उसे जख्म बना देता है और पस वहाँ पर बन जाता है, तो ये व्हाइटनेस आता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इस लंग्स में 70% के आसपास हमारा व्हाइटनेस है, लेकिन बहुत डीप नहीं है, अगर डीप रहता तो बिल्कुल व्हाइट रहता। ठीक है, तो हम इसे ये भी पेशेंट जो है वह टीबी का ही है, इसका भी एमडीआर अगर सीवीनार टेस्ट होगा तो पता चल पाएगा कि एमडीआर है। अब मैं चौथा एक्सरे जो दिखा रहा हूँ, चौथा एक्सरे में आप ये देख सकेंगे कि इसका राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स तो बिल्कुल नॉर्मल है जैसा होता है सभी का, लेकिन राइट लंग्स में देखिए कि कितना सीवियरिटी है। ये जख्म इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर कीड़ा वगैरह जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वहाँ पे पस बहुत ज़्यादा बना दिया है, और जिसके वजह से हमारा एयर वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो यह व्यक्ति जब सांस भी लेगा तो उसे पूरा सांस नहीं लिया पाएगा, जिस कारण उसे हाफ भी हो सकता है और चेस्ट में पेन भी रहेगा दाहिने तरफ। ठीक है, ये देख रहे हैं एंगल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एंगल के ऊपर इस एरिया में बिल्कुल व्हाइटनेस हो गया है, जबकि इस एरिया में देखिए बहुत ज़्यादा व्हाइटनेस नहीं है, जहाँ जहाँ तहाँ है तो वो स्पॉट है, वो हमारे दूसरे कारण से हो सकता है, लेकिन इस एरिया में जो है ये पैच कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है, और जनरली इसी को टीबी बोला जाता है। अब जो पांचवा एक्सरे जो हमारे पास अगर होता तो मैं बताता, वो एक्सरे मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर लंग्स के बाहर किसी को पानी होता है जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं, तो लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा या दोनों में रहेगा, तो यह जो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर इवेन्युअल नहीं है, यानी कि समानांतर नहीं है, उसमें जो रहेगा बिल्कुल ये व्हाइटनेस पानी भरा रहता है तो एक लेयर नजर आता है, अब बिल्कुल ये कुछ नहीं नजर आता है, बिल्कुल यहाँ पर व्हाइटनेस 100% रहता है, लेकिन ये चूंकि इनफिल्ट्रेशन है, टीबी है, इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनर साइड में है, इस कारण ये है, अगर पानी रहता तो बाहर साइड में रहता और ये बिल्कुल वाइट रहता, जिस तरह से इस तरह से लाइन पड़ा हुआ लग रहा है ना, उस तरह से इसमें भी लाइन पड़ा हुआ रहता, ये बिल्कुल वाइटनेस में कन्वर्ट हो चुका होता और ये ब्लैकनेस हमारा कुछ नहीं दिखता, तो उसमें हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं, वह भी हमें 6 महीना के अंदर ठीक होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चारों एक्सरे को देख करके आप समझ गए होंगे कि एक्सरे के सीवियरिटी कितना है। किसी में इन्फेक्शन का मात्रा बहुत कम है, लेकिन वह भी टीबी है, उसका भी ट्रीटमेंट 6 महीना चलेगा, अगर जनरल टीबी होगा तो ठीक होगा। किसी का इन्फेक्शन मिड है यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा है तो उन्हें भी 6 महीना चलना होगा, और जिनका ज़्यादा है उसको भी 6 महीने में ठीक होगा, अगर वह एमडीआर नहीं होता है तो इन चारों के देख करके हो सकता है कि आप अपने एक्सरे देखेंगे, तो चूंकि वीडियो आपके पास रहेगा तो आप वीडियो को रोक करके भी आप अपने एक्सरे को कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके लंग्स में लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ इन्फेक्शन हो या फिर एक तरफ इन्फेक्शन हो, मैं तीनों तरह का एक्सरे दिखाया हूँ, उस एक्सरे को कंपेयर करेंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपका जो सीवियरिटी है वह कितना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चिंता करने की 1% ही बात नहीं है, क्योंकि हमारे टीबी के बैक्टीरिया जो हमारे लंग्स के अंदर है वह 100% किल होता है हमारे दवा के खाने से ही। अगर जनरल टीबी का प्रॉब्लम है तो हमें जनरल टीबी 6 महीने के अंदर ठीक हो जाता है, और अगर एमडीआर है तो 9 महीने या 18 महीने में ठीक होता है, और सभी दवाइयां का थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, वह सभी बहुत सारे वीडियो है जो कि चैनल पे है ऑलरेडी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टीबी, एमडीआर टीबी, टीडीआर टीबी और एचडीआर प्री एचडीआर टीबी, जितने भी तरह का ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट है, उसका साइड इफेक्ट है, सभी के बारे में बताया जाता है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। इसके साथ साथ जो अगला वीडियो आएगा वह मैं कोशिश करूँगा कि हम अगर टीबी हमें हो गया है या फिर हम
टीबी की दवा खा रहे हैं, मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हम अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप कतई यह नहीं समझिएगा कि हम टीबी का दवा खा रहे हैं तो मेरा पहले से 40 किलो था तो अब हमारा 50 किलो और 60 किलो हो जाएगा। ये बात अलग है कि कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि जिनका 54 kg यानी कि 54 kg था जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, ट्रीटमेंट स्टार्ट के 2 महीने बाद 52 हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हुआ तो आज के डेट में 74 kg के वेट हो चुका है उनका। अब वो टेंशन उनको ये है कि मैं अपना वजन कैसे कम करूं, क्योंकि वजन ज़्यादा होना बहुत बुरी बात है और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, खास करके हमारा फैटी लिवर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है, घुटने में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, बहुत सारी कमियाँ होने लगती है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा खाने पर ध्यान दें, प्रोटीन का मात्रा ज्यादा लें, विटामिन्स वगैरह का मात्रा ज्यादा लें, फल और सब हरी सब्जियां पर ज्यादा ध्यान दें और उसके वजह से जब आपका वजन बढ़ेगा ना तो वो 100% सही रहेगा और आप हेल्दी कहलाएंगे। टीबी की बीमारी में अगर वजन कम है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, तो खाने पीने पर हम थोड़ा ध्यान देंगे उसके वजह से हमारा वजन सही से बढ़ पाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स, ये सारी चीज हमारे वजन को बढ़ाने में मदद करता है। मैं आगे आने वाले वीडियो में यह बताऊंगा कि कैसे हम अपने वजन को ही बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।